वेलकम टू सना ऑनलाइन क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे साइबर स्पेस में वित्तीय सुरक्षा। इससे पहले मैंने दीक्षा पर शिक्षण अधिगम की विशेषताओं की उन्नति, साइबर खतरे, डिजिटल वेलनेस, मुक्त शैक्षिक संसाधन OER और लाइसेंस की वीडियो अपलोड कर दी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चंस है और 9 क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें तो आपकी सारी वीडियो के क्वेश्चंस जितने भी हैं क्विज के वो सॉल्व हो जाएंगे। चलिए क्विज को ओपन करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, साइबर स्वच्छता केंद्र CS के उपयोगकर्ताओं को किस प्रकार के उपकरण प्रदान करता है। इसका आंसर है एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर उपकरण। इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट करें। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, यदि आप अपनी ईमेल पता या पासवर्ड हैव आई बीन पॉन्ड कर पाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इसका आंसर है तुरंत अपना पासवर्ड बदले और अपने खाता सुरक्षा की समीक्षा करें। इस पर आप क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, निवेश घोटालों के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्लेटफॉर्म कौन सा है। इसका उत्तर है सोशल मीडिया। इस पर आप क्लिक करके नेक्स्ट करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर प्रतिदिन लगभग कितनी शिकायतें दर्ज होती हैं। इसका उत्तर है 1 लाख से अधिक। इस पर आप क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हैव आई बीन पॉन वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका आंसर है जांच करना कि क्या व्यक्तिगत जानकारी डेटा उल्लंघन में उजागर हुई है। इस पर आप क्लिक करें सेकेंड ऑप्शन पर और नेक्स्ट कर दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सा है। इसका उत्तर है 1930, सेकेंड ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय चैनल धोखाधड़ी के लिए संवेदनशील के रूप में उल्लेखित नहीं है। इसका उत्तर है ईमेल अकाउंट्स। इस पर आप क्लिक करें फोर्थ ऑप्शन पर और नेक्स्ट करें। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, वायरस टोटल द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइलों का विश्लेषण किया जा सकता है। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में वित्तीय धोखाधड़ी का पता लगाने और वसूली के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। इसका उत्तर है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C। इस पर आप क्लिक करें सेकेंड ऑप्शन पर और नेक्स्ट करें। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, IT अधिनियम में जागरूकता पैदा करने और ऐसी पहलों के लिए प्रावधान है। इसका उत्तर है सही, सही पर क्लिक करें और नेक्स्ट करें। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, भारतीय नागरिकों को लक्षित करने वाले फिशिंग हमलों में आमतौर पर कौन सी चाल का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर है वैध वेबसाइटों की नकल करने वाली नकली वेबसाइट बनाना। इस पर आप क्लिक करें सेकंड ऑप्शन पर और नेक्स्ट कर दें। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, साइबर वित्तीय धोखाधड़ी में पैसे निकालने के लिए समान चैनल कौन से हैं। इसका भी उत्तर है उपरोक्त सभी। इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, साइबर स्टॉकरों द्वारा उपयोग किए जाने वाली एक सामान्य विधि क्या है। इसका उत्तर है ईमेल और त्वरित संदेश भेजना, सेकंड ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, IT अधिनियम 2000 का विस्तार हुआ है। इसका उत्तर है पूरे भारत में और कुछ मामलों में भारत के बाहर भी। इस पर आप क्लिक करें और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, साइबर गुलामी क्या है। इसका उत्तर है व्यक्तियों का जबरन श्रम और मानव तस्करी के लिए ऑनलाइन माध्यमों से शोषण। इस पर आप क्लिक करें सेकेंड ऑप्शन पर और नेक्स्ट कर दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फिश टैंक का मुख्य कार्य क्या है। इसका उत्तर है फिशिंग वेबसाइटों को ट्रैक करना और उनके बारे में जानकारी प्रदान करना। इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, साइबर अपराध की आय में खाते की परतें क्या होती हैं। इसका उत्तर है अवैध धन के स्रोत को छिपाने की प्रक्रिया जिसमें उन्हें जटिल वित्तीय लेन देन की श्रृंखला के माध्यम से लिया जाता है। इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फर्जी शेयर बाजार घोटालों में विश्वास हासिल करने के लिए कौन सी रणनीति का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर है सोशल मीडिया पर नकली विज्ञापन। इस पर आप क्लिक करें। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, साइबर गुलामी जो मानव तस्करी का एक आधुनिक रूप है मुख्य रूप में किसके माध्यम से की जाती है। इसका उत्तर है डिजिटल दुनिया में, सेकेंड ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, AEPS धोखाधड़ी में कौन सी सामान्य विधि का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर है बायोमेट्रिक डेटा तक अंधकृत पहुंच। इस पर आप क्लिक करें फर्स्ट ऑप्शन पर और नेक्स्ट कर दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से कानून डैश कानून में
मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है? इसका उत्तर है मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, फर्स्ट ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, साइबर धोखाधड़ी में .apk फाइलें क्या भूमिका निभा सकती हैं? इसका उत्तर है उनका उपयोग मालवेयर या फिशिंग सॉफ्टवेयर वितरित करने के लिए किया जा सकता है। इस पर आप क्लिक करें सेकेंड ऑप्शन पर और नेक्स्ट कर दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, साइबर धोखाधड़ी के संदर्भ में ATM हॉटस्पॉट क्या होता है? इसका उत्तर है स्थान जहां ATM को स्किमिंग या अन्य धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए अक्सर निशाना बनाया जाता है। इस पर आप क्लिक करें और आगे बढ़ जाएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मोबाइल ऐप्स के माध्यम से अपराध करने में अपराधियों की सफलता का मुख्य कारण क्या है? इसका उत्तर है उच्च ऐप डाउनलोड दरें, थर्ड ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। निवेश धोखाधड़ी आमतौर पर किन चैनलों के माध्यम से होती है? इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, साइबर वित्तीय धोखाधड़ी का सबसे प्रचलित तरीका कौन सा है? इसका उत्तर है अवैध गेमिंग - ट्रेडिंग एप्स - क्रिप्टो घोटाले। इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों में प्रतिरूपण करने वाली एजेंसी कौन सी होती है? इसका उत्तर है कानून प्रवर्तन अधिकारी। इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी में अचानक कमी का अनुभव होता है जो धोखाधड़ी का संकेत दे सकता है तो अनुशंसित कार्रवाई क्या है? इसका उत्तर है इसे अपने बैंक को रिपोर्ट करें। इस पर आप क्लिक करें थर्ड ऑप्शन पर और नेक्स्ट कर दें। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय स्तर पर साइबर अपराध के मुद्दे का समन्वय और समाधान करना। इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, संचार साथी पोर्टल पर निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध है? इसका उत्तर है खोए हुए चोरी हुए मोबाइल फ़ोन का ट्रैक करना। इस पर आप क्लिक करें फोर्थ ऑप्शन पर और नेक्स्ट कर दें। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटालों से बचने के लिए दी गई एक प्रमुख सलाह क्या है? इसका उत्तर है प्लेटफॉर्म पंजीकरण की SEBI या RBI से पुष्टि करें। इस पर आप क्लिक करें थर्ड ऑप्शन पर और नेक्स्ट कर दें। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, साइबर स्पेस एक बहुत व्यापक शब्द है जिसमें निम्नलिखित शामिल है? इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, ऊपर के तीनों दिए गए जो ऑप्शंस है वो सही हैं। इस पर आप क्लिक करके नेक्स्ट करें। नेक्स्ट है नकली नौकरी के प्रस्ताव भेजकर व्यक्तियों को धोखा देने से संबंधित धोखाधड़ी का प्रकार क्या है? इसका उत्तर है नौकरी धोखाधड़ी। इस पर आप क्लिक करके नेक्स्ट करें। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, CDAC हैदराबाद द्वारा विकसित एक M-कवच ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है मोबाइल सुरक्षा को बढ़ाना और साइबर खतरों से सुरक्षा प्रदान करना। इस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट है, NCERP साइबर अपराध की रिपोर्टिंग के लिए नहीं है, इसका ऑप्शन है गलत। गलत पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दस्तावेज में धोखाधड़ी को एक मोड का उल्लेख किया गया है वो क्या है? इसका उत्तर है अधिकृत पुश भुगतान। इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय अपराध नहीं है? इसका उत्तर है यौन शोषण, थर्ड ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पोंजी योजना क्या है? इसका उत्तर है एक धोखाधड़ी निवेश योजना है जो नए निवेशकों से पूंजी का उपयोग करके पहले के निवेशकों को रिटर्न देती है। इस पर आप क्लिक करें सेकंड ऑप्शन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग में म्यूल अकाउंट्स का उपयोग कैसे किया जाता है? इसका उत्तर है अवैध धन के स्रोत को स्थानांतरित करके और स्पष्ट करने के लिए। इस पर आप क्लिक करें। देखिए सबमिट का ऑप्शन आ गया है, सबमिट पर क्लिक कर दें। टोटल क्वेश्चन 30 थे, मैंने सॉल्व भी 30 कर लिए हैं, बल्कि 9 एक्स्ट्रा हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। इससे आपको क्विज़ को सॉल्व करने में आसानी होगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और कॉमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।